देख रहे हैं प्राइम के न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त की खबर बागपत जनपद से आ रही है। कामयाबी लगे है पुलिस ने चेकिंग के दौरान, जहां पर नशीले पदार्थ को तस्करी करने वाले 3 शातिर राज्य तस्कर को किया गिरफ्तार। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। मामला जनपद बागपत कोतवाली, जहां प्रेस वार्ता के दौरान एक खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी ओमपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में नशीले पदार्थ का तस्करी करने वाले के विरुद्ध अभियान चल रहा था। बीती रात कल बागपत कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कुछ लोग नशीले पदार्थ लेकर, जिसके बाद ही पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी। दिल्ली सहारनपुर हाईवे स्थित मावी कला के निकट ही पुलिस ने एक कार को रोक लिया, जिसके 3 राज्य स्तर गिरोह के सदस्य लोग बैठे हुए थे। जहां पर आपको बता चले कि तलाशी के बाद लगभग 7 लाख की कीमत का गांजा बरामद किया गया। पकड़े गए 3 तस्करों को पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति को यह गांजा देने वाले थे। पकड़े गए तस्करों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई कर रही है। प्राइम के न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट। सर, खुलासा क्या है कोतवाली में, क्या पूरा मामला रहा, कौन लोग हैं, कितने लोग हैं? ये हमारा अभियान अंतर्राज्यीय तस्करों के खिलाफ अभियान चल रहा है। 9 से 11 जो है कल अभियान चला था, और उसमें मवी कला के पास जब ये तलाशी हो रही थी तो इसमें एक होंडा सिटी कार दिखाई दी। इनसे हाथ दिया, ये भागने लगे, लेकिन फिर भी इसको घेर करके पकड़ लिया गया। और इसमें से 3 व्यक्ति मिले हैं, कपिल, संदीप, प्रमोद। और जब तलाशी ली गई गाड़ी की तो उसमें से जो है लगभग 36 किलोग्राम गांजा मिला है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7 लाख कीमत निर्धारित है। इसी के संबंध में और जो है जानकारी की जा रही है। ये जो 3 तस्कर मिले हैं, ये 2 डगरपुर के हैं, इसमें सगे भाई, और एक जो है नोएडा का धनकोर का रहने वाला है। सर, इनकी कहाँ सप्लाई होती है? हाँ, जो इनसे पूछताछ में इन्हें बताया है कि कहीं कोई व्यक्ति जो है एटा मैनपुरी से आता था, रिजवान नाम का आदमी, वो इनको सप्लाई देता था। और ये सप्लाई जो है उसका नाम नहीं बता पा रहे, पैराफेरिल पे जो है इनकी सप्लाई होने वाली थी, उसी समय ये घर धो पहुँचे गए। और कितने लोग इनके साथी हैं, कुछ पता है? अभी इनका अपराध इतिहास पुराना तो नहीं है अभी हमारे पास, अभी जांच की जा रही है। और एक जो इसमें संदीप नाम का लड़का है, ये पहले भी जेल जा चुका है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को